चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो घंटे का आइकन है प्लीज़ आप उसे ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता भदौरिया, इंडियन यूट्यूबर, और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आप अपने घर से कॉकरोच को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, जब कॉकरोच घर में हो जाते हैं तो उससे बहुत सारी बीमारियां पनपती हैं घर में, और दोस्तों कोई खाने पीने का घर में सामान भी रखा होता है तो उस पर भी डर रहता है कॉकरोचों का। तो चलिए मैं आपको आज ऐसा एक नुस्खा अच्छा सा बताऊंगी जिससे कॉकरोच जड़ से ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक लेंगे एक चम्मच शुगर, यानी कि चीनी, खड़ी चीनी लेनी है हमको दाने वाली। तो सबसे पहले हम एक चम्मच चीनी ले लेंगे, और ये चीनी कॉकरोचों को मीठा बहुत पसंद होता है, तो ये चीनी कॉकरोच को अपनी तरफ आकर्षित करेगा खाने के लिए, तो कॉकरोच इसको खाने के लिए ज़रूर आएंगे। तो अब इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट हमें मिलाना है दोस्तों, दूसरा इंग्रेडिएंट हमें मिलाना है सोडा, जो हम सोडा यूज करते हैं, तो वो हमें सोडा यानी कि बेकिंग सोडा मिलाना है। तो एक चम्मच हम बेकिंग सोडा ले लेंगे और इस चीनी में इस सोडे को मिक्स कर देंगे अच्छे से। दोस्तों, जो बेकिंग सोडा होता है इससे कॉकरोच मर जाते हैं, तो इसको आप यानी कि चीनी को और बेकिंग सोडा को अच्छे से आप मिक्स कर दें दोनों चीज़ों को, और फिर मैं आपको वीडियो आप पूरा देखिएगा, मैं पूरा बताऊंगी कि आपको किस तरीके से इसको यूज करना है और कैसे इससे कॉकरोच मरेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि कॉकरोच तो सभी के घर में होता है, तो वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। तो चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा और चीनी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको आपको कैसे यूज करना है, तो दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में बेल का आइकन मिलेगा, प्लीज़ आप उसे ज़रूर प्रेस करें, और उसके बाद ऑल वीडियोस पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई वीडियो मिले सबसे पहले, यानी अपडेट सबसे पहले मिलेगा अगर आप ऑल वीडियोस दबा देंगे बटन। तो ये दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए मिक्स हो चुका है। अब इसको आप या तो आप इस टाइप से ढक्कन ले लें, जो किसी डब्बे की डिब्बियों के ढक्कन नहीं होते हैं, वो ढक्कन टाइप के ले लें आप इस टाइप से, और इस पर आप ये जो मैंने मिक्सर बना के तैयार किया है इसको आप रख दीजिए, और जहाँ पर आपको कॉकरोच ज़्यादा समझ में आए, चाहे आपकी वो अलमारी हो या आपका फ्रिज के नीचे हो या आपके किचन के स्लैब के कॉर्नर में कहीं भी हो, जहाँ कहीं भी आपको समझ में आए, और कॉकरोच वहीं आते हैं जहाँ सीलन वगैरह ज़्यादा होती है या ऐसे भी कॉकरोच हो जाते हैं, तो आप वहीं पर इस चीज़ को जगह जगह पर रख दीजिए इस टाइप से। यहाँ पे मैंने डेमो देने के लिए आपको थोड़ा सा बना करके दिखाया है, अगर आप चार पांच छह जगहों पर रखना चाहते हैं तो इस मिक्सचर को आप ज़्यादा बनाइएगा, अगर आप ज़्यादा बनाएंगे तो आप पाँच छः जगह रख सकेंगे, यहाँ पर मैंने डेमो दिया है इसलिए मैंने थोड़ा आपको दिखा दिया है। तो इस टाइप से आप ढक्कन पे रख करके आप कहीं भी रख सकते हैं इसको, और इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कोई खतरा नहीं होगा। आप बाहरी चीज़ें ला करके स्प्रे करेंगे तो उसमें काफ़ी जहरीले चीज़ें होती हैं, इससे आपके घर में भी बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, बड़ों को भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपके सांस के द्वारा आपके अंदर जाएगा जो बाजार मार्केट का आप लेकर के आएंगे लिक्विड वगैरह स्प्रे करने के लिए, तो उससे खतरा होता है, इससे आपके कॉकरोच भी मर जाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी आपको भी आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से आप इस प्रोसेस को आजमाइएगा, इससे आपके कॉकरोच बिल्कुल मर जाएंगे। अब मर कैसे जाएंगे, क्योंकि ये जो बेकिंग सोडा है इसको ये खाएंगे, चीनी को खाएंगे, अब चीनी को खाएंगे इसके साथ में बेकिंग सोडा भी उनके पेट में जाएगा, और बेकिंग सोडा जो कॉकरोच होते हैं उनके लिए जहर है, तो वो जैसे ही ये खाएंगे वैसे ही वो एक एक करके मरने लगेंगे, कॉकरोच सारे कॉकरोच ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इस नुस्खे को यूज कीजिएगा, और इस नुस्खे को दो बार यूज करें, एक बार रख दिया है, दोबारा से फिर आठ दिन बाद इसको चेंज करके दोबारा पाउडर बना करके आप रख दीजिए, तो इससे सारे कॉकरोच आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार।